स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th, बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग द न्यू बैच जो 23-24 वाला सेशन है. आप सब बहुत सारे न्यूज सुन रहे हैं अबाउट द चेंज इन द सिलेबस, रिडक्शन इन द सिलेबस, क्या चेंज होने जा रहा है, क्या सिलेबस हो रहा है, कोई पैटर्न में बदलाव तो नहीं आएगा, बुक्स क्या वेबसाइट पे अपडेट हो रहे हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम सुन रहे हैं. तो सीबीएसई ने क्या किया, वेबसाइट पे बुक्स को अपडेट किया है. ये अपडेशन है क्या, आप जानते हैं कि जो बीच में कुछ साल थे ना, जैसे कोविड वाले ईयर्स, उसमें कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया था. तो वो जो डिलीटेड चैप्टर्स थे तो वेबसाइट पे वही दिख रहे थे. और हर साल कुछ ना कुछ एडिशन डिलीशन तो सिलेबस में होता है. तो डिलीटेड चैप्टर्स को अगर रीस्टोर करना हो तो क्या किया जाएगा, बुक को फिर से जो है पहले की तरह कर दिया जाएगा. या फिर अब कह रहे पहले की तरह भी नहीं, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो चैप्टर्स में करना हो, टॉपिक्स में करना हो, वो किया जाएगा. ठीक है, हमें थोड़ा सा नए सिलेबस का वेट करना होगा, अपडेटेड सिलेबस, क्योंकि जो ये एकेडमिक सेशन 23 था, 22-23, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ पूरा, क्योंकि एग्जाम्स लगभग हुए हैं बट अभी रिजल्ट पेंडिंग है. हालांकि नया सेशन 1 अप्रैल से अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी. तो सीबीएसई ने धीरे धीरे अपने जैसे टीम बनाई थी आपके बुक को अपडेट करने के लिए, सिलेबस के लिए, मार्किंग स्कीम के लिए, हर चीज़ मिलेगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो तब तक हाँ, अब तो सीबीएसई ने बुक्स अपडेट भी कर दिया, अदरवाइज आप लास्ट ईयर के जो बुक्स थे उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेंशन की होगी. ठीक है, जो इस साल लगभग आएगा. हाँ, इस बार रिडक्शन किन चीज़ों का हुआ है, रिडक्शन वो हुआ उन टॉपिक्स का होगा जो रिपीट हो रहे कहीं ना कहीं. ठीक है, जैसे देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो दो दो तीन तीन चैप्टर्स में रिपीट होते हैं, एटलीस्ट दो जगह रिपीट हो रहा है, तो उनमें उसको कहीं एक जगह से हटा दिया जाएगा. तो दैट वे डिलीशन होगा टॉपिक्स का. आपने ये न्यूज़ अगर नहीं सुना हो तो मैं बता दूँ कि ये न्यूज़ चल रहा है कि सीबीएसई इज टू इम्प्लीमेंट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज फ्रॉम एकेडमिक ईयर 23-24. अब देखो कोविड खत्म हो चुका है तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, आपको मोर एनालिटिकल की ओर ले जाया जा रहा है कि जो रिपीटेड था ना, लर्न कर रहे, रट्टा मार रहे, रट्टा मार स्टडी अब थोड़ा सा हटाया जा रहा है और थोड़ा सा आपके एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, जैसे आप देख सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी वाले, उनको बढ़ाया गया है. इस बार MCQ बढ़ाया गया था. ठीक है, अब जब CBSE की सर्कुलर जारी होगी तो हम पता चलेगा कि इस बार सेशन 2023 जैसा ही रहेगा या थोड़ा सा चेंज है. सर्टेन टॉपिक्स विल 100% बी डिलीटेड जो रिपीट है. और ये भी आपने सुना होगा कि आपका जो सेशन है सीबीएसई का वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा. तो जो मैं आपके बुक की बात करी थी ना, रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, ये सीबीएसई के वेबसाइट पे था. क्योंकि इन द व्यू ऑफ COVID-19 पैंडमिक इट इज इम्पेरेटिव टू रिड्यूस कॉन्टेंट लोड ऑन स्टूडेंट्स. तो कोविड जब था तो ऑब्वियसली आपके स्कूल्स नहीं हो रहे थे, तो बच्चों के लिए जो था वो सिलेबस घटाना मजबूरी थी. ठीक है, उससे बच्चों को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत भी हुई थी, क्योंकि सर्टेन टॉपिक्स उनके उसमें नहीं था, 12th में नहीं था, 11th में नहीं था, बट जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, JEE दिए, NEET दिए या CUET दिए, तो वहाँ पर दिक्कत होती है. सो एम्फेसिस जो है अब उस समय कॉन्टेंट को रिड्यूस करने का था. So, and providing opportunity for experimental learning with creative mindset. तो अब experiments के साथ, अब हम वो रट्टा मार study जो है वो नहीं करके experiment करके, क्योंकि देखो experiment जो होता है ना, practical aspect, वो हमें बहुत दिनों तक याद रहता है. और कोई चीज़ हम याद करते हैं ना रट्टा मारते, वो हम भूल जाते हैं. तो that will enhance your creativity. आपकी जो analytical thinking है ना, analytical thinking, that will improve. ठीक है, तो ये इसलिए किया जा रहा है, बुक को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है. तो NCERT has undertaken the exercise to rationalize the textbook across all classes. ये सिर्फ 9th, 10th, 11th, 12th के लिए नहीं होगा, ऑल क्लासेस के लिए होगा. इम्प्रोवाइजेशन तो होनी भी चाहिए ना, क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे अगर सिलेबस कभी नहीं बदले NCERT, बुक के कॉन्टेंट सेम रहे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में. जैसे जैसे सिस्टम चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, वैसे वैसे टॉपिक हैज़ टू बी चेंज. सो NCERT जो है वो चेंज कर रहा है. अब कॉन्टेंट, अब क्या चेंज होगा क्या नहीं, ऑफ टेक्स्ट बुक हैव बीन रैशनलाइज्ड इन व्यू. अब ये जो चेंजेस किए हैं वो किस बेसिस पर, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आप नहीं पढ़ोगे. ओवरलैपिंग विद सिमिलर कॉन्टेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरिया. ऐसा आपने फील भी किया होगा कि कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो इवन क्लास 12th तक है,
कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको दिख जाएंगे, या एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स में मिल जाएंगे, तो ओवरलैपिंग की जरूरत फिर नहीं है। एक जगह पढ़ो फिर दूसरे जगह पढ़ो। सिमिलर कॉन्टेंट इंक्लूडेड इन लोअर और हायर क्लासेस इन द सेम सब्जेक्ट, तो वहां भी होगा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल देख करके चेक किया जाएगा। कॉन्टेंट विच इज इजिली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न बाई चिल्ड्रेन थ्रू सेल्फ लर्निंग एंड पीयर लर्निंग। अब देखो एनसीईआरटी बुक कहते तो है कि हम एज अ टीचर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, बट आप भी जानते हो कि डायरेक्टली जब बच्चे टेंथ में एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं, चाहे वो साइंस हो, साइंस मैथ्स में खास करके साइंस आपको ठीक से, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर आपको नहीं मिलता। एनसीईआरटी के बुक में एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं एंड आपको बताना है कि क्या होगा, तो बच्चे पहेली इस तरह से सुलझा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए बच्चे हेल्पिंग बुक लेते हैं ताकि वहां पर उन्हें पॉइंट वाइज आंसर दिखता है। हेल्पिंग बुक में कंटेंट्स होते हैं, तो ये बात सीबीएसई को भी पता है। एनसीईआरटी जो बुक है विच इज वेरी गुड, बट दैट इज वेरी कॉम्पैक्ट। एक एक वर्ड का अपना बहुत यूज मीनिंग है, एक एक सेंटेंस का, एक एक पैराग्राफ का। तो बुक को थोड़ा सा और फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको जैसे बच्चों को ट्यूशन कोचिंग की हेल्प लगती है, तो सेल्फ लर्निंग को मोटिवेट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, पीयर लर्निंग। जैसे नहीं होता ग्रुप स्टडी करते हैं, दो बच्चे साथ मिलके पढ़ रहे हैं, दो तीन फ्रेंड्स साथ मिलके पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, आप एक दूसरे से सीखोगे, तो आपकी जो है एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तो ये आपके हित में है। कॉन्टेंट विच इज इररिलेवेंट, कभी कभार ऐसा भी टॉपिक होता है दैट हैज नो यूज, तो वो इररिलेवेंट टॉपिक्स को हटा दिया जाएगा। तो This is done in favor of students. So this is very good thing. Syllabus घटने के बाद नए syllabus की पढ़ाई, तो syllabus तो घटेगा, थोड़ा बहुत घटेगा, फिर नए syllabus की पढ़ाई होगी। अभी officially website पे proper सारी चीजें curriculum नहीं आई हैं, आएंगी धीरे धीरे, but news में आ रहा है, NCERT की किताब में होगा बदलाव, आप देख सकते हैं जी न्यूज की तरफ से बदल गया सीबीएसई का syllabus, तो लागू भी होगा क्योंकि सीबीएसई ने बुक्स जो है वो चेंज किए हैं। तो क्लास 11th के लिए तो खास कर ही बड़ा है, क्योंकि अब 10th से जो बच्चे 11th में जा रहे हैं उनको अब फिर एक बोर्ड तो आपने दे लिया, अभी रिलैक्स हुए, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा जंप हुआ है ना, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि 11th में जो पढ़ोगे और 12th में जो पढ़ोगे, इन दोनों को मिला करके ही आगे फिर फ्यूचर में काम आएगा। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बढ़ने के चांसेस हैं, बट हालांकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो ये हम अंदाजा लगा रहे, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि एमसीक्यू बढ़ाया गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाए गए थे ताकि पासिंग परसेंटेज बच्चों का इंक्रीज हो, पासिंग परसेंटेज बढ़े, और साथ में आपकी सोचने की एनालिटिकल थिंकिंग पे बहुत गौर कर रहा है सीबीएसई ताकि बच्चे इम्प्रूव करें। एक होता है ना कि टीचर से पढ़ के आगे उसे याद कर लिया, एक होता है कि आप सोच रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना कि आप सोच रहे हैं, यू आर टेकिंग थिंग्स ऑन योर ओन। सो ये चेंजेस आए हैं, आई होप आपको आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हों। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।